अपने आइडेंटिक मेमोरी है जिसे फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहा जाता है, इसके बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा, राइट। फोटोग्राफिक मेमोरी एक ऐसी रेयर टाइप की मेमोरी होती है कि जो लोग भी इस मेमोरी को पजेस करते हैं उन लोगों के मात्र एक बार पढ़ लेने से ही पूरी बुक कार्बन कॉपी की तरह उनके ब्रेन में छप जाती है। केवल एक बार किसी चीज को देख लेने से उस चीज का फोटो उनके ब्रेन में हमेशा के लिए सेव हो जाता है, यानी कि अनब्रेकेबल मेमोरी। जैसे कि निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंदा, ये फोटो भी क्या रेयर फोटो है यार, है ना। जिसने भी इस फोटो को क्लिक किया होगा उसे मैं सच्चे दिल से सल्यूट करता हूँ यार, सच में बहुत रेयर फोटो है। खैर, निकोला टेस्ला की बायोग्राफी पढ़ते समय मुझे आइडेंटिक मेमोरी के बारे में पता चला। उसके बाद से मैंने इंटरनेट पर एंशिएंट योगा से लेकर साइंटिफिक स्टडी तक बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बुक्स पढ़ी, बस ये जानने के लिए कि सच में वो क्या चीज है जो एक इंसान के माइंड को इतना इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और जीनियस बनाती है। सो ये वीडियो मेरी उसी नॉलेज का एक रिप्रेजेंटेशन है और इस वीडियो में दी गई एक एक इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ सकती है। सो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ओजस एक्युमुलेशन, या जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड में सीमन टेंशन भी कहा जाता है। पहले हमारे देश में एक प्रथा थी, गुरुकुल प्रथा, जिसमें कि बच्चा जैसे ही 13 साल का होता था उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता था और जब तक वो 25 साल का होता था तब तक वो वहीं रहता था, राइट। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन पता है क्या है कि 13 साल का होते ही बॉडी सीमन बनाना शुरू कर देती है और जब तक हम 25 साल के होते हैं तब तक हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें इंटेलिजेंट और जीनियस बनाता है, वो डेवलप होता है। इसलिए गुरुकुल में 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता था। अब आपको सेक्सुअल एनर्जी और ब्रेन डेवलपमेंट के बीच की लिंक समझ आने लगी होगी। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हाउ डज इट वर्क, उससे पहले ये जानते हैं कि दुनिया भर के जीनियस इसके बारे में क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से शुरू करते हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि हमारे दिमाग में आए केवल एक सेक्स के विचार से, यानी कि केवल एक सेक्स की थॉट ब्रेन में आने से लोगों का 8 दिनों का बना हुआ ओजस यानी कि इंटेलिजेंस नष्ट हो जाती है और केवल एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से लगभग 45 दिनों का बना हुआ ओजस नष्ट हो जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विवेकानंद जी कहते हैं कि शरीर में इदा, पिंगला और सुषमना, ये 3 इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं जिनके माध्यम से एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो करती है। एक ऑर्डिनरी इंसान में केवल इदा और पिंगला ही एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य और इंटेंस मेडिटेशन के करने से सुषमना भी एक्टिवेट हो जाती है और सुषमना नाड़ी से एनर्जी हर एक चक्रा को खोलती हुई ऊपर की तरफ बहना शुरू कर देती है और लगभग 12 साल के ब्रह्मचर्य के बाद शरीर में मेधा नाड़ी है, जिसे नर्व ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है, एक्टिवेट हो जाती है। और मेधा नाड़ी के एक्टिवेट होने के बाद उस इंसान का दिमाग इतना शार्प, इंटेलिजेंट हो जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी गोल नहीं है जिसे वो इंसान हासिल ना कर सके। ही रिमेम्बर ऑल, ही अंडरस्टैंड ऑल। और न केवल विवेकानंद जी ही बल्कि स्टीव जॉब्स, इंडिया के गामा पहलवान से लेकर ग्रेट जीनियस लियोनार्डो द विंसी, सर इसाक न्यूटन, निकोला टेस्ला, आप यहां देख सकते हैं सोक्रेटिस, पाइथागोरस, माइकल एंजेलो और भी काफी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सेक्सुअल एनर्जी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए उसे वेस्ट करने की बजाय दुनिया को बदलने में लगाया है। इस लिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज वहां से जरूर चेक कीजिएगा। नाउ मैं आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि हाउ डज इट वर्क। फूड डाइजेशन के प्रोसेस में सबसे पहले हमारी छोटी आंतों में छिली यानी कि बॉडी फ्लूइड बनता है। छिली से बनता है ब्लड और ब्लड से बनता है मांस, मांस से बनता है फैट और फैट से आती हैं हड्डियां और हड्डियों से बनता है बोन मैरो, फिर जाके बोन मैरो से बनता है सीमन, आयुर्वेद में जिसे वीर्य भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 64 दिनों का टाइम लगता है और 64 दिनों के बाद अगर बॉडी से सीमन इजेकुलेट यानी कि बाहर नहीं निकलता तब अगले 3 हफ्तों तक सीमन एपिडिडिमिस में स्टोर रहता है और लगभग 84 दिनों के बाद बॉडी सीमन को ब्लड में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है जिससे बनता है फाइनेस्ट ब्रेन एंड बॉडी। ये देखिए, द एंशिएंट वेदास ऑफ इंडिया स्पीक एक्सटेंसिवली on the retention of semen for determination, optimism, confidence, willpower, fixed intelligence, noble character, photographic memory and shining good health. और भी बहुत कुछ दिया गया है इसके बारे में। Semen retention is very valuable for both spiritual and material health. Semen retained in the body goes upwards to nourish the brain, rendering the body robust and the memory and intellect incredibly sharp. Now जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है the nature of mind. एक बहुत ही फेमस कोट है, the difference between an ordinary person and great person lies in the degree of concentration. So concentration के आधार पर 3 तरह के mind होते हैं। First, monkey mind. Second, concentrated mind. Third, blast mind, monkey mind. दुनिया में लगभग 90-95% लोगों का दिमाग इसी कैटेगरी में आता है। मंकी माइंड आप नाम से ही समझ गए होंगे, जैसे कि एक बंदर कभी शांति से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही मंकी माइंड। मंकी माइंड में एक थॉट के बाद दूसरी थॉट, कभी यहाँ तो कभी आसमान में, कभी ये थॉट तो कभी वो। अकॉर्डिंग टू स्टडी, एक ऑर्डिनरी इंसान के दिमाग में आने वाली 90% थॉट्स बेकार, यूजलेस होती है। अब आप खुद सोचो कि इतनी सारी बेकार थॉट्स के साथ कोई इंसान कैसे इंटेलिजेंट हो सकता है। गुड न्यूज इज दैट कि
मंकी माइंड को कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में बदला जा सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड का नेचर ऐसा होता है कि वो फ्लो में वर्क करता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड माइंड वाले इंसान का दिमाग किसी चीज में लग जाए तो समझो लग गया, फिर उसके दिमाग में कोई फालतू के विचार नहीं आएंगे। ऐसे दिमाग वाले इंसान घंटों तक बिना रुके काम कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से भी ज्यादा पावरफुल होता है ब्लेस्ड माइंड। इसे भी आप नाम से ही समझ गए होंगे। ऐसा दिमाग दुनिया में बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होता है और ऐसे लोगों का अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है। ज्यादातर ऐसे दिमाग वाले लोग शून्य की स्टेज में रहते हैं, यानी कि थॉटलेस स्टेज। और जब ऐसे लोग कोई भी वर्क करते हैं तो इनका कॉन्सेंट्रेशन इतना इंटेंस होता है कि एक बार उस वर्क को करने के बाद फिर दोबारा उन्हें उस काम को करने की जरूरत नहीं पड़ती। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अगर कोई इंसान इन क्रियाओं को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर ले तो वो इंसान ब्लेस्ड माइंड की स्टेज तक पहुंच सकता है। पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।